हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल भंबेवाल फिटनेस विद आयुर्वेदा के नए एपिसोड में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही, हम अपने चैनल पे फिटनेस और आयुर्वेदा से रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं, उन पे बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज हम टॉपिक लेके आए हैं उन एथलीट भाइयों के लिए जो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, स्पेशली जो थोड़ा बहुत स्टेरॉइड की हेल्प लेते हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है, जिनको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है भाई। ये वीडियो उनके लिए जो बिगिनर होते हैं या किसी के कहने से कोई यूज़ करते हो, यूज़ करने से परफॉर्मेंस तो एनहेंस हो रही है लेकिन साथ में छोटे छोटे कुछ इशू आते हैं। तो ऐसा ही एक इशू आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि इंस्टा पे अपने एक भाई ने हमसे शेयर किया था। दोस्तों इंस्टा अकाउंट पे हम छोटे जो टॉपिक होते हैं उनको कवर करते हैं, उन पे वीडियो लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम का इशू होता है, 30 सेकंड या 60 सेकंड में हम अपना पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं। तो जो टॉपिक हम वहाँ पे लेके आएंगे उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप वो एक ही वीडियो में पूरी बात समझ सकें या एग्जांपल के थ्रू जहाँ से हमें वो टॉपिक मिला है, कहाँ से कैसे क्या बात हुई है, और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाएं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आज का एग्जाम्पल है वो है रनिंग के केस में, और इससे हर एथलीट के लिए सेम रिलेट करेगा। तो वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह यूज़ किया है उन्होंने, और वो लेने से उनको पावर तो उनकी एनहेंस हो रही है लेकिन साथ के साथ कुछ ना कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है। अब वो साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों, कि वो जब रनिंग करते हैं तो पैर तो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब वो रनिंग करते हैं जैसे ही थोड़ा देर उनको प्रैक्टिस करते हुए होता है तो फिर उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं स्टेरॉइड फॉर्म में, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ steroid.com, आप उस पर जाके जो भी आपको किसी ने गाइड किया या कहीं से आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको जो बेसिक सॉल्ट होता है उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जो भी कोई सॉल्ट होता है, स्पेशली हम बात करें अगर अनावर की जो आजकल ज़्यादा फेमस और यूज़ की जाती है, तो हर इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, जैसे एंड्रोजेनिक है, एस्ट्रोजेनिक है, कार्डियोवैस्कुलर है। तो अगर हम अनावर की बात करें तो वो परफॉर्मेंस एनहेंस करती है, अच्छा रिजल्ट आता है, मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर उसको फैट कटिंग में भी यूज़ करते हैं, और आजकल रनिंग में और रेसलर भी उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो होता क्या है, वैसे एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट उसके नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो एस्ट्रोजन में एरोमेटाइज वगैरह नहीं होता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो गायनो वगैरह की प्रॉब्लम तो उससे होती नहीं है। लेकिन जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और हमें मे बी जो हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस के टाइम पे हमें इस तरीके का लगता है कि सांस फूलने लगती है और हमें जो है प्रॉपर हम अपना वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जो भी यूज़ करे या जिनको भी इस तरीके का इशू आ रहा है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हो, तो एक तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ की जाती है, उसका एक साइकिल होता है प्रॉपर, और जब भी आप यूज़ करें तो उसके साथ में सपोर्टिव अपने जो कुछ सप्लीमेंट होते हैं जिसमें वाइटामिन्स, मल्टी वाइटामिन्स, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो जरूर शामिल करनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ओमेगा 3, उसके लिए फिश ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें फ्लैक्स सीड जो आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ज़रूर लेना चाहिए जब भी आप कोई स्टेरॉइड वगैरह लेते हो, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उसमें थोड़ी आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जैसे हम अनावर की ही बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता ही है। तो इसलिए रनिंग के केस में जो सांसें घुटने वाला जो सीन बनता है या जो भी एथलीट प्रैक्टिस करता है तो वो इसलिए सामने आता है। तो जो कुछ कॉमन डाइटरी फूड सप्लीमेंट है जो मोस्टली यूज़ करने ही चाहिए, उसमें कोई भी आप किसी भी अच्छी कंपनी का मल्टी वाइटामिन जरूर लें, वाइटामिन ई जिसमें ईवीएन 400 या ईवीएन 600 में से आप ले सकते हो, वाइटामिन सी के भी आते हैं 500 mg में, वो आप यूज़ कर सकते हो, करने चाहिए आपको। ओमेगा 3 उसके लिए फिश ऑयल हो गया या फ्लैक्सीड हो गया, वो जरूर यूज़ करें, और वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, साथ में जो लिक्विड डाइट रहती है उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करने के लिए आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ होती है जो लेनी भी चाहिए, चाहे वो मसल बिल्डिंग के तौर पे यूज़ कर रहा है या फिर वो कोई एथलीट है रनिंग का या रेसलिंग का, तो जब भी कोई इस तरीके की मेडिसिन करे तो इनका पूरा पूरा ध्यान जरूर रखना चाहिए।
और जब हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पहली बात तो कोई भी सॉल्ट हुआ 3 महीने से ज़्यादा उसको रेगुलर बेस पे यूज़ ना करें, सेफ्टी पर्पज से 3 महीने की साइकिल होती है, उसके बाद जो भी आपने सॉल्ट यूज़ किया है तो PCT जरूर करें। PCT नहीं करेंगे तो जो हॉर्मोन का इंबैलेंस हो जाता है तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाता, टाइम लगता है लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको अच्छे से करने के लिए ताकि आपके जो भी उसमें इश्यूज आए हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो लीवर, किडनी है, हार्ट है, या फिर आपके हॉर्मोन्स इंबैलेंस हुए हैं, तो उसको करने के लिए प्रॉपर PCT विद जो साथ में जो सप्लीमेंट मैंने कुछ बताया, मल्टीविटामिन्स वगैरह, वो सारे आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने हाल ही में अपने जो एक क्लाइंट है उनके लिए देसी भस्म वगैरह भी तैयार करी थी, तो इसी एग्जाम्पल को ध्यान, इसी केस को ध्यान में रखते हुए कि जो पावर स्ट्रेंथ तो आ रही है मेडिसिन से, लेकिन जो साथ में जो इश्यू आ रहा था सांसें भरने का, तो उसके लिए हमने फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करी थी। जो वीडियो हमने इंस्टा पे डाली भी है, इसमें मोती होता है, तो मोती को हमने यूज़ करके एक तरीके बसंत टाइप में यूज़ करके उसको डाला है। और जो मोती होता है वो एक तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है और दूसरा वो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और धड़कने तेज नहीं होने देता, तो इसलिए हमने वो एक अलग से उसमें ऐड करके वो उनको यूज़ करवाया। तो अभी देखते हैं भाई कैसा क्या रिजल्ट आता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के तौर पे हम वो देते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये जो टॉपिक है मैं वहाँ पे छोटी वीडियो में क्लिप में यूज़ पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पे एक कंप्लीट वीडियो के तौर पे मैं लेके आया हूँ। लेकिन अब से कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 टॉपिक जरूर कवर करूँ, और जो भी हम इंस्टा पे जो अभी तक हमने टॉपिक उठाए हैं उन पे कंप्लीट वीडियो हम यूट्यूब चैनल पे जरूर लेके आएंगे। आप भाइयों से सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे डाल सकते हैं, इंस्टा का अकाउंट में अपना शेयर कर दूंगा आपको, और जो वीडियो मैंने अभी तक कवर की है उसका भी लिंक आपको मिलता रहेगा। और अभी दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में जो सप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, जो सप्लीमेंट लेने वाला होता है और देने वाला होता है, तो उनके बीच में आजकल क्या सीन चलता है, तो उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग हट के हम वीडियो लेके आएंगे, ताकि समझ में भी आए और जो मेन इश्यूज है वो भी सामने लेके आएंगे अपनी वीडियो के जरिए। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बी हेल्दी, बी हैप्पी।